हेलो गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जैसे बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल सोराइसिस, तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं और बताने वाली हूँ। मतलब उसके बेसिक चीज़ें थोड़ा सा हम थ्योरी के वे में ही पढ़ेंगे सोराइसिस को, और कुछ फ़ोटोज़ लाइक मैं आपको दिखाती रहूँगी जिससे बहुत क्लियर हो, क्योंकि स्किन के डिजीज़ जितने हम फ़ोटोज़ और जितना हम गूगल पे फ़ोटोज़ और उसे देख के समझते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगी जिससे हम जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़। उसके बाद हम आज सोराइसिस करने वाले हैं। मतलब सोरियासिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो उसकी क्या इटियोलॉजी है या कैसे एक इंसान को कॉमनली होता है ये, और बाकी ट्रीटमेंट और हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए डिफरेंट लाइक होम्योपैथिक अलग ट्रीटमेंट होती है, एलोपैथिक अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर उसका कुछ थेरेपेटिक्सली कोई भी अगर मेडिसिन मुझे लगेगी तो मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी ये प्योरली डर्मेटोलॉजी के बेसिस पे ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम स्किन डिजीज में सुनते रहते हैं वो है मैक्यूल, प्लैक फॉर्मेशन, पैप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल फॉर्मेशन, वेसिकल्स, बुल्ले। तो इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमें जो लीजन्स है स्किन के, जो लीजन्स होते हैं वो तीन चार वेज के हो सकते हैं। सबसे पहले या तो वो लीजन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, मतलब आप उसको टच करोगे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ नहीं दिख रहा आपको, फ्लैट है, मतलब कुछ इंस्पेक्शन, कुछ पैल्पेट करने से कुछ आपको फील नहीं हो रहा, ठीक है, इंस्पेक्शन से। लेकिन आपको कुछ हाइपर पिगमेंटेड या थोड़ा पिगमेंटेड स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे फ्लैट लीजन, ठीक है। अभी फ्लैट लीजन भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नॉर्मल टेक्सचर का हो सकता है या थोड़ा सा इंड्यूरेटेड लीजन हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैट लीजन में नॉर्मल टेक्सचर है तो उसमें दो साइज हो सकते हैं, स्मॉल साइज के हैं और लार्ज साइज के हैं, ठीक है। स्मॉल साइज के लीजन्स को मैक्यूल कहते हैं, ठीक है। मैक्यूल बहुत कॉमनली देखा होगा, सुना होगा आपने, ठीक है। मैक्यूल कैसा होता है दिखने में, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली फोटो है, इसके अंदर ये थोड़ा सा स्पॉट सा है, अगर मतलब शाइन नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये मैक्यूल है, ठीक है, तो ये मैक्यूल है। इसके अलावा ये जो मैक्यूल है वो बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में फैला हुआ है जैसे आप देख सकते हो, तो इसको हम कहेंगे पैच, ठीक है। तो स्मॉल है तो मैक्यूल और बड़ा है तो पैच, ठीक है। इसके बाद अगर यही एरिया थोड़ा सा इंड्यूरेटेड है तो इसको प्लैक कहते हैं, अगर स्मॉल होता है तो, और लार्ज में भी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता, प्लैक ही कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये वाली फोटोज देख सकते हो, ये प्लैक फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसमें साइज में कुछ नहीं होता, ये इसमें टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इंड्यूरेटेड लीजन्स है तो इसको प्लैक कहेंगे, ठीक है। अब ये हुआ, ये सिंपल मैक्यूल, पैच, प्लैक में डिफरेंस पता चला। अब जो हमारे लीजन्स हैं वो अगर एलिवेटेड लीजन है, तो आपने देखा होगा जैसे एक्ने वैक्ने के केसेस में एलिवेटेड लीजन्स बहुत कॉमनली दिखते हैं, तो एलिवेटेड जो लीजन्स हैं वो भी तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो सॉलिड होगा या उसमें कोई फ्लूइड फिल्ड होगा या पस फिल्ड होगा, ठीक है। जो सॉलिड होता है उसको कहते हैं पैप्यूल, इन सब की मैं फोटो अभी आपको दिखाती हूँ। सॉलिड एलिवेटेड लीजन को पैप्यूल कहते हैं अगर स्मॉल साइज का है, ठीक है, अगर लार्ज साइज का है तो उसी को नोड्यूल कहने लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो गया, जैसे कि बहुत ही कॉमनली बर्न्स के केसेस में होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, तो अगर वो स्मॉल है तो उसको वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है, और अगर वो बड़ा है थोड़ा तो उसको बुल्ले बुल्ले फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, बुल्ले फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर पस वाले आपने देखे होंगे एक्ने फॉर्म हो जाते हैं तो उसको पोस्ट्यूल कहते हैं, और बड़ा भी होता है तो उसको भी पोस्ट्यूल ही कहते हैं, ठीक है। तो इसकी फोटोज अगर आपको देखनी है तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटे साइज के हैं, तो ये है हमारे पैप्यूल एलिवेटेड लीजन्स, और इसके नीचे थोड़ा सा बड़ा साइज का है तो इसको हम कहेंगे नोड्यूल, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सारे डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वेसिकल्स को अगर आपको देखना है तो वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल्स और बुल्ले वो भी साइज से ही है, ये वेसिकल्स होगा छोटा सा है, ये बुल्ला बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन है तो ये बुल्ले, ठीक है। इसके नीचे ये पस फॉर्म्ड थोड़ा मास है, इसको पोस्ट्यूल कहेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन आपने कॉमन टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली। इसके अलावा अगर इंड्यूरेटेड लीजन्स होते हैं तो उसको प्लैक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है डेप्थ से, ठीक है, तो वो फैला ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जितनी उसकी डेप्थ है, ठीक है, तो इसको प्लैक कहेंगे, जैसे मैंने फोटोज दिखाई आपको। इसके अलावा जैसे कोई लीजन है जिसके अंदर ब्लड का एक्सट्रवेशन हुआ है बाहर की साइड, तो उसमें दो होते हैं, या तो अगर स्मॉल है वो तो उसको पेटीके कहेंगे, लाइक आपने सुना भी होगा स्मॉल हैमरेजेस को पेटीके कहते हैं, और अगर बहुत बड़े एरिया में
हो गया है हेमरेज या बड़े एरिया में एक्सट्रवेशन हुआ है ब्लड का, तो उसको एकाइमोसिस कहते हैं। जैसे अगर एकाइमोसिस की आपको फोटो देखनी हो तो एकाइमोसिस आप देख सकते हो, यहाँ पे एकाइमोसिस सा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमने बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी वो स्किन डिजीज की वो अब कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं सोराइसिस से, ठीक है। तो सबसे पहले सोरियासिस या सोराइसिस जो भी, तो जो सोरियासिस है वो एक पैप्यूलोस्क्वामस डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर हम सारे वर्ड्स को तोड़ के पढ़े तो हमें समझ आएगा कि क्या है। सबसे पहले हमें पैप्यूल का मतलब पता होना चाहिए। तो पैप्यूल का मैंने आपको मतलब बताया क्या होता था। पैप्यूल होता है एक एलिवेटेड लीजन जो कि सॉलिड होता है, उसका थोड़ा स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। और वो बड़ा होगा तो हम उसको नोड्यूल कहेंगे, ऐसा करके हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है पैप्यूल इज अ सॉलिड एलिवेटेड लीजन ऑफ द स्किन लेस देन 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर, व्हेन लार्जर और डीपर इट कैन बी कॉल्ड एज नोड्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ों इन चीज़ों की बात हमने कर ली, ठीक है। अब पैप्यूल, अब जैसे मैंने बताया सोरियासिस जो है वो पैप्यूलोस्क्वामस डिसऑर्डर है या पैप्यूलोस्केली डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि पैप्यूल बनता कैसे है। तो पैप्यूल में क्या है, सॉलिड एलिवेटेड लीजन है, तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो गई है सेल्स की बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब हम सोरियासिस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे इटियोलॉजी क्या होती है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो सेल का जो टर्नओवर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पैप्यूल पढ़ रहे हैं कि पैप्यूल फॉर्म कैसे हो रहा है कहीं पे भी। तो पैप्यूल होता क्या है कि वहां पे प्रोलिफरेशन हो गई है सेल्स की, या तो एपिडर्मिस में या डर्मिस में, ठीक है। और या तो ये इसकी वजह से पैप्यूल फॉर्म हो रहा है, या वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो गया इसलिए पैप्यूल फॉर्म हो रहा है, या बहुत सारे डिपॉजिशंस बढ़ गए हैं डर्मिस में इसकी वजह से वहाँ पैप्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब स्केल क्या होता है, तो स्केल होता है, स्केल जो होता है उसको हम, उसको अगर हम डेफिनेशन देखें एक तरीके से वो शेडिंग है स्किन की, ठीक है। तो इट इज़ अ फ्लेक लाइक एक्सफोलिएशन एंड इट रिप्रेजेंट विजिबल शेडिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। तो हमारी जो स्किन के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं, तो जब वो दिखने लगे, वो विजिबल होने लगे, तो वो स्केल्स की फॉर्म में विजिबल होंगे, शेडिंग ऑफ स्किन, तो उसको कहते हैं स्केल, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें एक स्केल को तो उसमें क्या दिखेगा आपको, हाइपर केराटोसिस दिखेगा। मतलब जो जैसे अगर आपको पता होगा हमारी जो स्किन है उसके में लेयर्स होती है, एपिडर्मिस डर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस की भी आगे 5 लेयर्स होती है, उसकी सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। तो जो स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपर केराटोसिस। और साथ ही साथ स्ट्रैटम कॉर्निया में, कॉर्नियम अब वो डेड सेल्स है, ठीक है, डेड स्किन सेल्स है, तो उसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। लेकिन स्केलिंग में इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी शेडिंग हो रही है स्किन की, उसकी वजह से जो स्ट्रैटम कॉर्निया, कॉर्नियम जो लेयर है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियाई है उनका रिटेंशन होगा, ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोपिकली स्केल्स में हाइपर केराटोसिस के साथ साथ पैरा केराटोसिस दिखेगा, ठीक है, ठीक है। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि पैप्यूलोस्क्वामस डिसऑर्डर में पैप्यूल फॉर्मेशन के साथ स्केल दिखेगा। तो हम यहाँ पे जब सोरायसिस करेंगे, सोरियासिस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन, क्यों हमने इसको पैप्यूलोस्क्वामस बोला है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे सोरियासिस तो हमने पढ़ा, इसके अलावा लाइकन प्लानस, सबोरिक डर्माटाइटिस और जितने भी डिजीज जिसका जो सफिक्स होता है पिट्रियासिस, जैसे बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, तो वो भी सारी पैप्यूलोस्क्वामस होती है, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्या होते हैं नहीं पता तो हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में सब करेंगे, आज हम मेन फोकस इसी पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सोरियासिस है बहुत कॉमन है कि 1% पॉपुलेशन बहुत कॉमनली दिख जाता है, ठीक है। इसमें नो जेंडर प्रीडिलेक्शन है, मतलब कोई भी जेंडर को हो सकता है, मेल फीमेल आर इक्वल, ठीक है। इसके अलावा अब कोई भी स्किन डिसऑर्डर पड़ते हैं तो उसमें जो स्किन डिसऑर्डर में जो भी पैच बनना है या जो भी चीज़, जो भी लीजन फॉर्म होना है उसकी मॉर्फोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है सोरायसिस की, इसमें वेल डिफाइंड एरिथेमेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथेमेटस प्लैक फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिकली सिल्वरी, सिल्वर कलर के होंगे, उस पर जो स्केल्स होंगे लार्ज होंगे, लूज स्केल फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर नेल और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें हम एक कोई अगर हम सोरियासिस का कोई देख लेते हैं, जैसे ये वाला आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एरिथेमेटस होगा, तो आप देख सकते हो कि इस पे रेड कलर की एरिथेमेटस आपको पैच दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा शाइन सा कर रहा है, तो ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सिल्वरी स्केल्स दिख रहे हैं, ठीक है,
थोड़ा सा ब्राइटनेस, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। तो ऐसा कुछ जैसे आपने इरिदमेटस देखा, वेल डिफाइंड आप देख सकते हो, ठीक है, सिल्वरी स्केल्स होते हैं, स्केल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक सोराइसिस का एक पेक्यूलियर पैच होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा इसमें फ्रीक्वेंट नेल और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बाय मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे दिखाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे इसके अंदर दो एजेस बहुत इंपॉर्टेंटली, जैसे 25 से वाला जो एज ग्रुप होता है, ठीक है, यंग और थोड़ा सा मिडल वाला, तो बहुत कॉमनली इफेक्टेड होता है। तो इसलिए इसको बाय मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं सोरायसिस की, सोरियासिस की। सबसे पहले कैसे सोरियासिस होता है ये अननोन है, लाइक इसका जो प्रॉपर कॉज है किसी एक चीज से हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबल कुछ कॉजेस खोजे गए हैं कि इन इन वजह से हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक्स, तो बोला जाता है कि ऑटोसोम, मैंने बताया, समझा गया है कि शायद मे बी और मे नॉट ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस से आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा सोरियासिस जीन करके भी एक आइडेंटिफाई किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ उसका जेनेटिक बेसिस हो इस डिजीज का, ठीक है। अभी तक ये कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसका एसोसिएशन HLA-CW6 के साथ भी देखा गया है, ठीक है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, MHC कॉम्प्लेक्स के साथ भी इसका एसोसिएशन देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा सोरियासिस के ट्रिगर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रॉमा है, मतलब कोई एक एरिया है जहाँ पे बार 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 फिजिकल ट्रॉमा हो रहा है, जैसे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, सर्जिकल इंसीजन इंजरी, ठीक है, तो इन सब में आपको मिल सकता है। जैसे कि जो सोरियासिस होता है वो कॉमन भी हमारे ऐसे पार्ट्स पे होता है, जैसे एक्सटेंसर पार्ट्स पे, जहाँ पे बहुत इजीली आपको प्रेशर फील, प्रेशर वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पे जहाँ पे फिजिकल ट्रॉमा बहुत इजीली, जैसे एल्बोज के आसपास ऐसे ऐसे जगह मिलता है, ठीक है। तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो रहे हैं या कोई ड्रग है उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बायोकेमिकल चेंजेस देखे गए कि जिनके अंदर सोरियासिस है, डेवलप हुआ है या डेवलप होने की टेंडेंसी है, उनके अंदर एरेक्डोनिक एसिड, पॉलीअमीन्स और प्रोटीनियस, इन सब के लेवल्स थोड़े बड़े हुए मिले, तो मे बी दीज आर द प्रोबेबल कॉजेस, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स मिले, जैसे कि ऐसा देखा गया कि जो टाइप 1 हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो जो है इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 2 की क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ और कुछ और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है उनकी डिक्रीज हो जाती है, तो इसके डिसबैलेंस की वजह से सोरियासिस कॉज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और भी कॉजेस बताए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टोटल 3-4 कॉजेस हैं जिसकी वजह से जो समझा जाता है कि ये कॉज हो सकता है इसका सोरियासिस डेवलप होने का, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर माइक्रोस्कोपिकली आप कोई देखोगे, कोई भी फॉर्म कहीं पे सोरियासिस है, तो उसका अगर आप निकाल के देखोगे कि कैसा है वो माइक्रोस्कोपिकली, तो क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले एपिडर्मिस में क्या चेंजेस दिखेंगे, और अगर डर्मिस में कोई चेंजेस है तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो एपिडर्मल चेंजेस क्या होगा, तो सबसे पहले वहां पे बहुत सारे सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पैप्यूल फॉर्म हो रहा है या प्लैक भी फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे क्या है, बहुत सारा सेल का प्रोलिफरेशन है, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बेसल सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं हमारे स्किन के अंदर, बेसल सेल्स, कैरेटिनोसाइट्स, बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं, तो उसमें से जो बेसल सेल्स हैं उनका जो रेशियो है या जो उनका परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गया। अब जो बेसल सेल्स हैं वो ही जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो गई हैं, ये दिखेगा। सेकेंड दिखेगा कि आपका जो एपिडर्मल टर्नओवर है वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें 40 से 60 दिन में पूरी जो स्किन है वो ऐसे चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो लेयर है वो चेंज होगी, लेकिन जो सोरायसिस के पेशेंट होंगे उनमें वो जो टाइम है वो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, 6 से 8 दिन में ही हो रहा है, तो इसलिए वो चीज आपको विजिबली दिख रही है, ठीक है, वो स्केल फॉर्मेशन वो सब कुछ आपको दिख रहा है, स्किन शेड होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो स्टैटम कॉर्नियम जो लेयर है उसके अंदर जो सेल्स हैं जो शेड हो रहे हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई रिटेंशन हो रहा है न्यूक्लियाई का, ठीक है, तो इसको कहते क्या है, पैराकेराटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई का रिटेंशन हो रहा है स्टैटम कॉर्नियम के सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डर्मल चेंजेस में हम देखें तो वहां पे कैपिलरी फॉर्मेशन हो रही है और डायलेशन हो रहा है, डायलेटेड एंड टॉर्चरस कैपिलरी लूप्स फॉर्मेशन हो रही है और फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ हमें मिलेगा। इसके बाद बाय मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने बताया, तो इसमें होता क्या है कि दो एजेस बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगी। अगर 22 के अराउंड या मतलब 22.5 इन्होंने एवरेज बोला है,
उसके अराउंड की एज अगर ज्यादा अगर हो रही है तो इसको कहता है अर्ली ऑनसेट सोरियासिस, और अगर 45 प्लस की इयर्स में अगर सोरियासिस डेवलप होता है तो इसको कहते हैं लेट ऑनसेट। ठीक है, अर्ली ऑनसेट में जनरली जो फैमिली हिस्ट्री है सोरियासिस की वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी देखी तो और भी हम अच्छे से देख लेते हैं तो कैस किस टाइप का एक सोरियासिस होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोरियासिस वल्गैरिस, बहुत सारे टाइप के सोरियासिस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वल्गैरिस देख रहे हैं। वल्गैरिस का सिंपल मतलब होता है कोई भी अगर स्किन डिसऑर्डर के बाद वल्गैरिस लिखा है, वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो सोरियासिस जो बहुत कॉमन है तो सोरियासिस वल्गैरिस। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म का सोरियासिस है और ये जो है माइल्डली इची होता है। ठीक है, इची प्लैक और पैपूल। ठीक है, अब ये होता कैसा है, वेल डिमार्केटेड होगा, इंड्यूरेटेड होगा। ठीक है, रेडनेस होगी तो एरिडेमेटस होगा, स्केली होगा, सिल्वर वाइट आपको दिखेगा। इसके लिए एक टेस्ट भी कराया जाता है, वो टेस्ट भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। डिस्कॉइड होता है, इसका मतलब क्या है कि पहले स्टार्टिंग में ना वो एक छोटे छोटे डिस्कॉइड अलग अलग पैप्यूल या अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म करेंगे। ठीक है, बाद में वो सारे मर्ज हो जाएंगे, बड़ा सा ज्योग्राफिकल सा ऐसा लगेगा मैप का नक्शा बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे अगर आपको फोटो देखनी है तो यहाँ फोटो देख सकते हो। इसके अंदर क्या है कि पहले छोटे छोटे सोरियासिस के पैचेस बने और फिर वो सारे मर्ज होके बड़ा एक ज्योग्राफिकल सा बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, इसके अलावा इसका साइज या नंबर जो है वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अलावा आप दो बेड साइड टेस्ट कराए जाते हैं सोरियासिस कंफर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे एक्जिमा करेंगे, सबोरिक डर्माटाइटिस पढ़ेंगे, बहुत सारे और भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सिमिलर दिखने में लगते हैं, इचिंग मिल रही है, वही सब सेम चीज़ें। तो इसलिए तो बेड साइड टेस्ट में दो टेस्ट हैं। सबसे पहले है ग्रेटाज टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो स्केल्स बन रहे हैं सोराइटिक जो प्लैग है उसमें जो स्केल्स हैं उनको ग्रेट किया जाता है। ठीक है, ग्लास स्लाइड पे अगर बहुत इजीली वो स्केल्स निकल रहे हैं तो ग्रेटाज टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, बस सिंपल। ऑस्पिटस टेस्ट साइन में क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं जो वो स्केल है उसको स्क्रैप करेंगे, जो भी सिल्वरी स्केल निकलेगा उसके बाद जो वो सिल्वरी स्केल को अगर हम स्क्रैप करते रहेंगे तो एक बहुत एडहेरेंट सी मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, तो उस एडहेरेंट मतलब और जो ये स्क्रैप करते हैं ना वो एक ग्लास लाइट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो स्क्रैप करते करते एक एडहेरेंट सी मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, वाइट सी, उसको कहते हैं बर्कलीज मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको सोरियासिस में मिलेगा। ठीक है, और जब हम इस मेम्ब्रेन को भी हटा देंगे तो आपको छोटे छोटे ब्लीडिंग्स मिल सकते हैं। ठीक है, पिटी के फॉर्मेशन या छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स मिल सकते हैं जो कि सोरियासिस में दिखता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पंक्टेट ब्लीडिंग। ठीक है, या पॉइंट ब्लीडिंग। और अगर ऐसा सब कुछ मिल रहा है आपको तो मतलब ऑस्पिट साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कुछ होता है। इसके अलावा सोरियासिस से रिलेटेड और भी जो मेन आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले सोरियासिस जो होता है वो बायलैटरल होता है और ऑफन सिमेट्रिकल होगा, मतलब दोनों हाथ में मिलेगा या मतलब बायलैटरल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। ठीक है, इसके अलावा ये प्रेशर पॉइंट्स को फेवर करता है, जैसे एल्बोज, नी, जहाँ पे प्रेशर बहुत ईजिली लगता है। ठीक है, इसके अलावा स्कैल्प, नेप ऑफ नेक, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंसर्स आर मोर फेवरेबल देन फ्लेक्सर्स, मतलब एक्सटेंसर्स पे ज्यादा आपको कॉमनली सोरियासिस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रंक पे, लंबो सेक्रल रीजन, बैक पे, पेरी एम्बाइकल एरिया, इन सब जगह पे भी आपको सोरियासिस के लीजन्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट फेस की होना सोरियासिस में, ये थोड़ा अनकॉमन है। ठीक है, अब दो मॉर्फोलॉजिकली मतलब वेरिएंट हम पढ़ सकते हैं सोरियासिस के, एक को कहते हैं गुटेट सोरियासिस, एक है लुपियोइड सोरियासिस। ठीक है, ये मतलब ये इतना कुछ है नहीं, बस ये है कि इसका जो हम जनरल जो मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं सोरियासिस का उससे स्लाइट डिफरेंस होता है इनमें। तो गुटेट सोरियासिस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था बहुत बड़े एरिया में मिलेगा आपको या जो भी बिल्कुल ज्योग्राफिकल वैसा। गुटेट सोरियासिस क्या है कि अगर कोई, ये जनरली बच्चों में और एडोलसेंट मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, और इसको ना सोरियासिस, ऐसा सोरियासिस जिसमें इन्फेक्शन इटियोलॉजी है वहां पे मिलेगा। तो इसमें होता क्या है कि क्रॉप्स में आपको सोरियाटिक लीजन मिलेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ आए तो मैं फोटो से दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये वाला फोटो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो सोरियाटिक लीजन है वो कैसे क्रॉप्स में मिल रहे हैं ना, तो ऐसे मिलते हैं एरिडेमेटस छोटे छोटे पैचेज, और ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होते हैं। जैसे ये भी दिखाया 14 ईयर ओल्ड में स्मॉल एरिडेमेटस स्केली पैप्यूल्स। ठीक है,
तो ये आफ्टर एन एपिसोड ऑफ सोर थ्रोट, ठीक है, कोई इन्फेक्शन के बाद होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है लुपोइड सोरियासिस, इसमें क्या होता है ना कि जो स्केल्स है वो एक ही जगह बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो हीप्ड अप स्केल्स अपीयर होता है, तो इसलिए कोनिकल दिखने में लगते हैं। और ये रिटर्स सिंड्रोम जो होता है उसके साथ बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो रिटर्स सिंड्रोम का आपने टायर्ड भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस और यूरेथाइटिस होता है, जिसमें यहाँ पे सर्किनेट बेलेनाइटिस की है, और कंजक्टिवाइटिस जो एडोसाइक्लाइटिस, ठीक है। तो आंखों में दर्द, आंखों में प्रॉब्लम आती है, यूरेथाइटिस होता है, और आपको अर्थाइटिस, इन्फ्लेमेटरी अर्थाइटिस या रिएक्टिव अर्थाइटिस भी कहा जाता है, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लुपोइड सोरायसिस भी बहुत कॉमन है, तो इसकी भी अगर मैं आपको फोटो दिखाऊँ तो देख सकते हो कैसे, सॉरी, कैसे ये हीप्ड अप स्केल्स एक ही जगह बहुत सारे स्केल्स हीप अप हो गए हैं, तो इसको कहते हैं लुपोइड सोरियासिस, ठीक है। अब इन सब के आप अच्छे से अगर एक बार फोटो भी देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सोरियासिस है क्या, ठीक है। इसी के साथ हमने सोरियासिस का बेसिक चीजें कर ली है कि क्या कैसा दिखता है सोरियासिस, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्जिमा, सबोरिक डर्मेटाइटिस और कुछ ये सारी चीज़ें सोरियासिस से ही डिफरेंस करके पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत मतलब उनकी भी मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा सोरियासिस कैसे देखना है, कैसे समझना है, और इसकी जितनी फ़ोटोज़ आप देखोगे उतना समझ आएगा, मैं भी जितनी फ़ोटोज़ देखूंगी उतना समझ आएगा, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है और बहुत कॉमन है ये चीज़ें होना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट भी कर देना कुछ भी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय गाइज़।